Hello. Hello, everyone. This is Tushaba Sayed from Salafi Media. Today we have with us the one of the top 10 sexiest Asian man, and also on the occasion of Ram Navami, we have the actor who is very popular for his role as Lord Rama in the TV series Ramayan. Yes, I'm talking about Mr. Gurmeet Chaudhary. Hello, welcome on board. Thank you so much. Thank you. So my first question to you is the most talked about. As we all know, the countries have gone into lockdown, and so has India. And many people are trying to keep themselves as entertained and doing as much as to stay fit. So what are you doing? All of your fans are excited to know about that. Well, we are very active on social media nowadays because, you know, everyone, like, jo bhi ghar pe baithe, sab social media pe hai. So this is the correct time, you know, to connect with all your fans, your loved one. So what I'm doing, jab bhi mauka milta hai, to, you know, main live ja raha hota hun, apne fans se baat kar raha hota hun. Aajkal bahut sare media, you know, wo connect kar rahe hain ghar pe baithe baithe. To hum log, jaise hum aaj hum log live video chat kar rahe hain, वैसे बहुत सारी लाइव वीडियो चैट करते हैं, इंटरव्यूज होता है. एंड प्लस एक और चीज, बहुत अच्छी चीज मैं करता हूँ कि यू नो, आप क्योंकि घर पे हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आप सुबह उठते हैं और ब्रश किया, खाना किया, खाया, फिर सो गए. तो मैं क्या करता हूँ, मैं तैयार होता हूँ प्रॉपर. जैसे अगर कहीं बाहर जाना होता है तो आप कैसे तैयार होते हो, तो वो प्रॉपर तैयार रहता हूँ, ताकि एक एक मूड चेंज भी मिलना बहुत जरूरी है. क्योंकि आप जब 20-21 दिन घर पे रहते हो तो आपको अपने आप को, नहीं तो मेंटली आप पागल हो जाओगे, आप घर पे बैठे बैठे बोर हो जाओगे. तो आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे से तैयार होना है, और यू नो, और आप अपने अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से बात कर सकते हो, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा. तो मैं सुबह सुबह उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, कपड़े नए पहनता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, और सबसे बातें करता हूँ, सोशल मीडिया में रहता हूँ, फिर शाम को वर्कआउट करता हूँ. यू नो व्हाट, एक्चुअली मैं अपनी वाइफ देविना से बात कर रहा था कि यार ये टाइम भी हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, यू नो, तो आपको जो टाइम मिला है उसको आप इंजॉय करना है. करेक्ट. जैसे कि आपने बात किया सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के बारे में, तो अभी आप देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स जो है बहुत ही ज्यादा इनको रीच मिल रही है. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट, हाउ आर टाइम्स चेंजिंग रिस्पेक्टिवली टू डिजिटल मीडिया? वेल नाउ एवरीथिंग इज डिजिटल मीडिया यार. आई मीन डिजिटल मीडिया ही सबसे बड़ा है आज के टाइम पे, यू नो, क्योंकि लोग घर पे, जैसे पहले टीवी होता था, टीवी में आप अपने एक्टर्स को घर पे बैठे देख सकते थे, वो एक फील आता था कि यार मेरा फेवरेट, जैसे मेरे बहुत सारे फैंस मुझे बोलते थे कि यार हमारा फेवरेट गुरमीत हमें घर पे आ जाता है. तो वैसे सोशल मीडिया क्या है कि आप इतना बड़ा हो गया है कि आप घर पे बैठे अपने स्टार को देख सकते हो, देख सकते हो, और बहुत सारे अच्छे कंटेंट लोग बना रहे हैं. आप घर पे बैठ के एंटरटेन हो सकते हो. जैसे मैं और दिव्या ने कुछ वीडियोस बनाए, मैंने कुछ कॉमेडी वीडियोस बनाए, तो आप यू नो, आप बैठे बैठे बहुत सारी चीजें कर सकते हो, और लोग बोर नहीं होते, और आपका टाइम पास आपका पूरा दिन निकल सकता है सोशल मीडिया में. एंड प्लस बहुत सारा नॉलेज मिलता है. जैसे अभी COVID-19 के लिए, कोरोना वायरस के लिए, आप सभी को पता है घर पे बैठे बैठे आपको घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है. अच्छा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, हम एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वी हैव होप. सो हर सिचुएशन में हर एक इंसान कुछ ना कुछ नई चीज सीखता है. सो आप क्या सीखे हैं, और अपने फैंस को आप वही एडवाइस क्या देना चाहेंगे फ्रॉम दिस सिचुएशन, कोरोना क्राइसिस? वेल मैं यू नो, ये एक सही टाइम है मुझे लगता है अपने आप को जानने का, क्योंकि हम सभी इतना बिजी होते हैं कि हम अपने आप के बारे में सोचते ही नहीं है, हम अपने बारे में ख्याल ही नहीं करते, जबकि बहुत जरूरी है कि आप अपने बारे में और अच्छे से जानो, अपना ख्याल रखो. तो आई थिंक ये सही टाइम है, आप अपने आप को जान सकते हो अच्छे से, आप अपने अपना हिडन टैलेंट निकाल सकते हो. लाइक मैं घर पे बैठ के कुछ लिख रहा हूँ, और कुछ बुक्स पढ़ रहा हूँ, यू नो, कुछ जानकारियां ले रहा हूँ, और फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिता रहा हूँ, देवीना के साथ ज्यादा टाइम बिता पा रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक्टर हैं, दोनों शूट करते हैं, तो टाइम मिलता नहीं एक साथ कभी कभी इतना बैठने का. तो हम दोनों साथ में बैठ रहे हैं, अच्छे शोज देख रहे हैं, अच्छी फिल्में देख रहे हैं. तो यू नो, आप अपने आप को नई चीजें जान सकते हो आप अपने बारे में. तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है. मैं सारे लोगों से यही कहूंगा कि आप बोर होने की जरूरत नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, और आप अपने आप, हो सके आप कुछ लिखो, कुछ पढ़ो.
और एक चीज है, अभी बहुत सारी चीजें पुट टू होल्ड हो चुकी है, बहुत सारी शूट कैंसल्ड हो चुके हैं, तो ऐसा कुछ आपका जो इन प्रोग्रेस था जो रुक चुका है, और जो सबसे पहली चीज होपफुली अगर 3 to 4 weeks में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो आप कौन सी चीज है जो सबसे पहले करोगे? मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग कर रहा था ऑलरेडी, राजस्थान में सेट लगा हुआ था, जो कि अनाउंसमेंट तो हो गया है, द वाइफ फिल्म का नाम है और जी स्टूडियो प्रोड्यूस कर रहा है, जी स्टूडियो की फिल्म है और पहली बार एक्चुअली मेरी ये 5वीं फिल्म है और मैं पहली बार सोलो लीड आ रहा हूँ. नहीं तो नॉर्मली दो हीरो होते हैं या तीन हीरो होते हैं, उसमें से एक हीरो होता था. पहली बार एक 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 स्टेप आगे बढ़ा हूँ इस फिल्म से और बहुत अच्छा सब्जेक्ट. और हम लोग शूट कर रहे थे तो वो शूट 50% हो गया था और तब ये कोरोना वायरस का अटैक हुआ और हम लोगों को छोड़ के सबको वापस मुंबई आना पड़ा. तो वो एक चीज है जो इफेक्ट हुआ. एंड प्लस जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा तो वैसे हम वापस हमें शूट खत्म करना है. आप थोड़ा बहुत आपके वो रोल, आपके जो नए फिल्म के वाइफ फिल्म के बारे में रोल कुछ के बारे में बता सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। वेल आई एम सो सॉरी, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग बिकॉज वी जस्ट स्टार्टेड शूटिंग. सो बिकॉज इसका भी फिल्म का प्रमोशन होगा तब भी कुछ बोलने के लिए रहना चाहिए. तो बट इतना जरूर कहूंगा एनी कि जैसे आपको yeah. कह दिया कि ये सोलो लीड है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बहुत. व्हाट इज द मैसेज यू विल लाइक टू गिव टू योर फैंस, लाइक व्हाट वुड राम से? आई वुड से मैंने अभी एक वीडियो मैं शेयर करने वाला हूँ तो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ. मैंने मैंने यही कहा कि ये जो आज की जो लड़ाई है हमारी देश में कोविड-19 के खिलाफ, जो वॉर हम लड़े हैं, वैसे ऐसा ही वॉर राम राम जी ने रावण के खिलाफ लड़ी थी और जीत पाई थी. तो मैं यही कहूंगा कि आज रामनवमी पे कि श्री राम भगवान का आशीर्वाद हम सब पे रहे, वही एनर्जी रहे, ताकि हम इस लड़ाई में हम भी कोरोना वायरस को हरा पाए. थैंक यू सो मच। एंड लास्टली इज देवोलीना मैम ओवर देयर विथ यू, सो शी कैन सिंग समथिंग फॉर अस जस्ट ओवर देबिना द टॉप। देबिना तो अभी अपने काम में बिजी है, वो भी कुछ लाइव जा रही है. तो हम सभी ने अपना अपना काम डिवाइड किया हुआ है. इस टाइम पे हमें अपना काम खत्म करना है. हाँ तो नेक्स्ट टाइम प्लान होगा तो मैं और देवीना दोनों दोबारा साथ में आएंगे. श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एट सेलेफी मीडिया। हाय एवरीवन, दिस गुरमीत चौधरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन सेलेफी मीडिया. कीप वाचिंग.